फिर इधर भी मैंने एक दुपट्टा ही रखा है, और यहाँ पे मैंने गणेश एंड लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए इसलिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूम टूर। काफी कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ एक वीडियो। सॉरी टू से, मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी छूट गई है, पर इट्स ओके, मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। लिपस्टिक मैंने लगा ली थी पर वो थोड़ी सी निकल गई, बट इट्स ओके, इतना चलता है। एनीवेज गर्मी काफी है। सो गाइस, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, और आज मैं आप लोग को सब दिखाने वाली हूँ कि मेरे रूम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या मतलब रखती हूँ मैं ये वो एंड ऑल, जो भी है सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताना, इंस्टाग्राम में डीएम करना मुझे। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हो यहाँ पे एक कर्टन लगा हुआ है, एंड वो एंटर गेट है, एंड ये मेरा बेड है जहां पे मैं सो जाती हूँ रात में, एंड ये है जो आप हमेशा मेरी वीडियोस में देखते हो। सो गाइज, जैसे ये एंटर वाला गेट है, ओके सो सबसे पहले तो आप देखो मैंने यहाँ पे कर्टन लगा के रखा हुआ है, ओके क्योंकि उसके बाहर मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा है, मतलब ऐसा यहाँ से मतलब अंदर का बाहर सब दिखता है, तो मैं यहाँ पे कर्टन लगा के रखती हूँ। आप देख सकते हो ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था पिंक कलर का, ओके फिर नेक्स्ट मैं आपको पहले दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा रूम इतना ही है कुछ, और वो वाला जो गेट है ना, ये वाला गेट ना मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि हम इसको ज्यादा खोलते नहीं है, ओके फिर ये मेरा बेड है, ओके मैं आपको बेड दिखाती हूँ। ये वाला है मेरा बेड, और ये मैं यहाँ पे ये बेडशीट हमेशा रखती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है रखने में। तो ये एक्चुअली ये टीवी का रिमोट आ गया यहाँ पे, सॉरी टीवी उधर लगी हुई है एक्चुअली। सो और ये मैं यहाँ पे रखती हूँ पिलो, क्योंकि इस पिलो के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती है। गाइस, जब मैं रात में सोती हूँ तो मुझे इसके बिना कभी नींद नहीं आती, मैं इसको ऐसे पकड़ के सो जाती हूँ क्योंकि यार नींद नहीं आती यार मुझे इसके बिना, इसलिए। तो चलो अभी इसको हम रख देते हैं। फिर गाइस, मेरे बेड के बगल में है ये टेबल, एंड उस साइड में भी मेरे बेड के बगल में मैं आपको दिखाती हूँ एक टेबल है, ओके सो मैं आपको दिखाती हूँ उस टेबल में मैंने क्या रखा है। इस टेबल में मैंने बहुत सिंपल एक वॉच रखी हुई है जो कि मुझे काम आती है टाइम वाइम देखने में, ओके ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और ना यहाँ पे ना मैं हमेशा दुपट्टा बिछा के रखती हूँ क्योंकि मेरे को दुपट्टा ही सही लगता है, ओके मुझे मतलब ऐसा ही कुछ कलरफुल टाइप का करने में अच्छा लगता है मतलब। फिर इधर भी मैंने एक दुपट्टा ही रखा है, और यहाँ पे मैंने गणेश एंड लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए इसलिए, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ गाइस, जब भी मुझे नेगेटिविटी लगती है कि हाँ मुझे आसपास कोई नेगेटिविटी है या कुछ, या तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें आती हैं, तो मैं हमेशा इसी मतलब ऐसे यहीं पे सामने यहाँ पे बैठ जाती हूँ और मतलब पॉजिटिव सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग से वो सब बातें निकल जाती हैं जो मैं सोचती होती हूँ, ओके सो मैं अभी पीछे का आपको दिखाती हूँ। इसके पीछे ये भी विंडो है, ओके ये विंडो है पूरी गाइस, बट मैंने क्या किया अंदर एक बेडशीट लगाई, ओके उसके ऊपर डिजाइन करने के लिए मैंने दो दुपट्टे लगाए क्योंकि मेरे को ऐसे ही पसंद है, मेरे को ऐसे ही कुछ खुरा बातें दिमाग वाली हूँ मैं, तो मैंने ऐसे क्रीम और ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिया था, मम्मी का है वैसे तो मैंने इसको लगा लिया, और ये आपके थंबनेल में भी काफी काम आ सकता है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो क्रिएटिव मतलब दिमाग लगा के क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने ऐसा कुछ किया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
ये देखिए, फिर यहाँ पे एक चेयर रखी रहती है, पर उसमें अभी मेरा एक ट्राइपॉड और ये टी शर्ट पड़ी हुई है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ चेयर में क्यों रखती हूँ। जब कभी मेरा बेड में तो जब कभी मेरा मन नहीं करता कि मेरे को बेड में बैठना है या क्या, तो मतलब जब मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रही होती हूँ, मैं आके यहाँ पे चेयर में बैठ मैं चेयर में बैठ जाती हूँ। तो इतना मतलब मुझे बेड जरूरी थोड़ी है कि बेड में ही लेटना है। तो फिर मुझे जब चेयर का नीड होती है तो मैं एक चेयर यहाँ पे रखती हूँ अपने रूम में। ओके सो गाइज, आप ये देख रहे हो ये, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें होती हैं जो मतलब मेरे जरूरत की है। ओके मतलब कि मुझे चाहिए होती है। एक ये टेडी बियर है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा रहता है। ये है मेरा पर्स लिटिल ब्यूटी वाला, जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था गाइज। ये है गार्नियर माइसलर वाटर, ये मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि मैं कभी मेकअप वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ वाटरप्रूफ, तो इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ये गुड वाइब्स का टी ट्री वाला फेस वॉश, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फेस वॉश कर रहे हैं क्या तो यहीं से उठा के ले जाओ। और ये एलोवेरा वाला जूस है और ये बॉडी लोशन है। ओके तो यहाँ पे आपको मैंने इतना बता दिया कि क्या है, मैं क्या कैसे करती हूँ। ओके हाँ, यहाँ पे मेरा एक स्कूल वाला बैग टंगा हुआ है, जो कि अब मैं यूज नहीं करती हूँ, पर वो ऐसे ही टंगा रह जाता है। ओके सो या अभी बचा ये आप हमेशा आप मेरी वीडियोस में देखते हो। ओके सो ये देखो आप, सो ये है एक मतलब ये वैसा है, इसमें मैंने सारी अपनी लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं। एंड ये है दोनों NY बे का ही है, एंड लिपस्टिक काजल वगैरह जो भी है मेरे पास, मैंने सब इसी में ही रखा हुआ है। ओके फिर नेक्स्ट है ये भी सेम ऐसा ही है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आपको परचेस करना है, काफ़ी हेल्पफुल है मेरा तो। सो ये ब्रशेस काफ़ी गंदे हो चुके हैं, आप देख सकते हो। सो इसमें मैंने अपने ब्रशेस रखे हुए हैं, जैसे देखिए ऐसे मैं रख देती हूँ इसको। ओके फिर यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा हुआ है, जो कि मुझे नीड पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके तो ये मिरर भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, ये सेल से चलता है एक्चुअली। और यहाँ पे मैं कंघा रखती हूँ, मतलब कॉम रखती हूँ कभी मुझे जरूरत पड़ती है। फिर है ये क्लेचर, जो कि मेरा एक लौता क्लेचर है। ओके फिर मैं आपको यहाँ सेकंड दिखाती हूँ। सेकंड में ये है, पहली बात तो ये है, ये कप है, इसमें मतलब मेरी फोटो बनी हुई है, ये मुझे चाचा ने गिफ्ट किया था मेरे। सो इसमें मैं ज़रूरत का सामान रखती हूँ, जैसे पेन हो गए एंड लिप बाम हो गई, एंड ये क्या है इसमें, हाँ ये मेरे फादर, ये मेरे पापा की फ़ोटो है। ओके ये मेरे पापा की फ़ोटो है और बड़े पापा की भी है, बड़े पापा की मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी फोटो है एक्चुअली, बड़े पापा को पता नहीं कहाँ है। बड़े पापा की कहीं और होगी। सो ये धागा वगैरह रखा है, एंड ये रबड़ वगैरह रखा है मेरे पास। तो ये जरूरत का सामान मैं थोड़ा ऐसे रखती हूँ, अपने इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मैं चाय वगैरह तो पीती हूँ नहीं, तो ये मेरे इसी में काम में आ जाता है। ओके फिर है ये वाइप्स हैं, हाँ जैसे इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये वाइप्स हैं, जैसे मेकअप वगैरह अपना मुझे छुटाना है तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, तुरंत निकाल लेती हूँ इससे, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब मैं आपको इसका शेयर करती हूँ, ये क्या है देखिए, ये मेरा स्किन केयर वाला है गाइस, जैसे स्किन केयर वाला है, जैसे ये बॉडी लोशंस हो गए, एंड ये हो गया नारियल का तेल है, और ये कैस्टर ऑयल है, ये वाइट टोन पाउडर है, ये गुलाबरी वाला है रोज वाटर, एंड ये प्लम का टोनर है, एंड ये प्लम का बॉडी स्क्रब है। ओके ये बॉडी स्क्रब है प्लम का, एंड ये क्या है, ये लैक्टोकैलामाइन है। सो ये मतलब इसमें मेरे स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स है। ओके स्किन केयर वाले, सो इसको मैं साइड करती हूँ। फिर है मेरे पास गाइस, फिर मैं रखती हूँ अपने ड्रॉ में, ये रखती हूँ, ये है मेडिसिन वाला किट है, इसमें भी सारे मेडिसिन वगैरह पड़े हैं, और लिप बाम वगैरह, सॉरी बोरो प्लस वगैरह, जो भी हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ओके तो इसमें ये है,
चलो इसको रखते हैं। फिर यहाँ पे दो तीन मम्मी के फेशियल किट्स पड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरी कुछ किताबें पड़ी हुई हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मेरी किताबें हैं और ये मेरे मोबाइल का बॉक्स है। सो यहाँ पे मेरी ये जो किताबें हैं, ये इसका कभी कभार मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं पढ़ लेती हूँ, या तो मेरे को मन करता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, ओके। एंड ये है, ये जो भी है मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। एंड ये है गाइज एक मतलब वो है स्पीकर है, जैसे कभी कभार मन करता है गाने वगैरह सुनने का। सो जैसे कभी कभार मन कर जाता है हमें गाने वगैरह सुनने का, तो मैं क्या करती हूँ कि चला के रख देती हूँ, तो गाने वगैरह मैं सुन सकती हूँ इससे आराम से। सो काफ़ी अच्छा है, ये मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे रखती हूँ ये टॉवल, ये हैंड टॉवल मैं यहाँ रखती हूँ गाइस। इसलिए रखती हूँ जब भी मेरे को पसीना होता है ना, उठा के पोंछ लेती हूँ और फिर इसको धुलने के लिए डाल देती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसको आप जरूर रखो। और ये मेरा कॉटन का है, ये भी मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे। फिर यहाँ पे है ये एम कैफीन का प्रोडक्ट जो मुझे फ्री मिले थे, तो मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, ओके। सो ये आपने देखा है मैं यहाँ पे क्या क्या रखती हूँ, ओके। फिर मैं आपको एक दिखाती हूँ चीज़, ये देखिए यहाँ पे मैं एक फ़ोटो फ्रेम भी रखती हूँ, तो आप देख सकते हो ये फोटो फ्रेम, आप मेरा पसीना देख रहे हो। एनीवेज सो ये है फोटो फ्रेम जो मेरी सिस्टर का है, ओके। तो ये फोटो फ्रेम मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। मैं थोड़ा पास से दिखाऊं क्या आपको, पास से दिखाती हूँ, रुकिए बैग पे चढ़ती हूँ, ओके। ओए ओए गई मैं। सो ये है देखिए, ये है मेरी सिस्टर, ये, और ये मेरी मासी है, मतलब मेरी मम्मी की बहन है, ये वाइट वाली कहाँ गई, ये ओके। ये भी, ये सारी मेरी बहन है, इसमें एक भी मेरी फोटोज नहीं है गाइस, मेरी एक भी फोटो नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अपने रूम में लगा के रखा है इसको। सो ये देखिए सारी, मतलब ये देखिए, ये चनिया चोली है ना, ये मेरे पास है, ये मेरा ही है, और ये मेरी मासी है, ये वाइट वाली। बाकी तो मेरी ये भी मासी की फोटो है मेरी, बाकी सब मेरी मतलब सिस्टर की फोटो है, आप देख सकते हो। ये देखिए, सो ये देखिए। सो गाइज मेरे रूम में जो कुछ भी था ना, मैंने आप लोगों के साथ पूरा सब कुछ शेयर कर दिया, पर मैं आप लोगों को एक बार और दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मेरा रूम इतना ही है, और ये हम लोग रेंट पे रहते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हम लोग रेंट पे रहते हैं। अभी मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे मतलब ऐसे अलमीरा टाइप की बनी हुई है ऐसे ऊपर मेरे रूम में, ये देखिए दिख रहा है आपको। सो मेरे रूम में ऐसी अलमीरा टाइप की बनी हुई है, पर हम लोग उसमें यूज नहीं करते क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर है, ओके। एंड ये हम लोग का रेंट वाला घर है, बट हमारा जो खुद का घर है ना वो अहमदाबाद में, सो मैं वहां का रूम टूर आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मैं वो घर शेयर करने के लिए मैं आप लोगों से, मैं पूरा होम टूर शेयर करूंगी आपके साथ, रूम नहीं पूरा होम टूर शेयर करूंगी गाइस। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरा से पूरा व्यू दिखाती हूँ, ओके। सो गाइज यही था मेरा रूम टूर जो अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, एंड कैसा लगा कमेंट डाउन करिएगा। और यही है मेरा कुछ मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीजें नहीं है मेरे रूम में, बट बहुत सिंपल सा रूम है क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। अगर हम लोग रेंट वाला घर पे नहीं रहते होते तो हमारा खुद का घर काफी अच्छा है, एंड वहां पे हर एक चीज है, ओके। सो जब मैं अपने घर में जरूर जाऊंगी, अभी हम लोग मतलब नहीं है वहां पे, अगर मैं अपने घर में जब भी पहुंचूंगी, मतलब जब भी हम लोग शिफ्ट होंगे, मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, आप पसीना देख रहे हो, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, प्लस मैं आप लोगों को होम टूर प्लस रूम टूर जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस। सो पसीना आप देख लो कितना ज्यादा निकल रहा है, ओ माय गॉड। सो कमेंट डाउन करिएगा कि ये भी आपको कैसा लगा, ये तो मैंने रिक्वेस्ट में ही शेयर किया है, वरना मैं नहीं करती, बट या कमेंट डाउन करिएगा आपको कैसा लगा। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो या बाय बाय।
पसीना।